नमस्कार दोस्तों, कल क्लास 10 के बच्चों का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, तो कल के पेपर को लेकर इस वीडियो में लेके आ गया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कल के पेपर को लेकर 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट और गारंटेड क्वेश्चन जो आपके कल के पेपर को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक बच्चों के लिए होने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके लेटर टू रीडर पे ऑल टू ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस वीडियो के बाद जो है आपका लेटर टू रीडर वाला जो पोर्शन है वो आपका 100% गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले लेटर टू रीडर में किस तरीके से सवाल आते हैं वो आपको जानने से पहले आप लोग ये देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से पता होगा तभी आप सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे, क्योंकि पूरा खेला जो है आपका लेटर टू रीडर में वो आपका फॉर्मेट का ही है। फॉर्मेट को सबसे पहले आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए, लेटर टू रीडर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले ऊपर आता है सेंडर एड्रेस, यानी सबसे पहले लेफ्ट साइड के सबसे टॉप पे जो है आपको सेंडर एड्रेस लिखना होता है। सेंडर एड्रेस कौन होता है, यानी कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका जो एड्रेस है वो आपका सेंडर एड्रेस में वहां पर आता है। उसके बाद आपको नीचे डेट लिखना होता है, फिर सैल्यूटेशन आपका द एडिटर, यहां पे जो आपका न्यूज़पेपर जिसको आप लिख रहे हैं उसका नेम हो जाएगा, सिटी हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी जिस रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हैं, बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद जो छठा पार्ट आता है वो आपका कंक्लूजन आता है, यानी कि आपने जिस रिगार्डिंग लेटर लिखा है, साथ ही साथ जो सजेशन या कंक्लूजन जो आप देते हैं उस लेटर के एंडिंग में, वो चीजें जो है आपके छठे में आता है। सातवें में आपका कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग, यानी कि लेटर को जब आप खत्म कर रहे होते हैं तो योर सिंसियरली फेथफुली, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है सेंडर डिटेल, यानी जो लेटर भेज रहा है उसकी पूरी तरीके से यहाँ पे डिटेल्स आती है। तो ये पूरी कंप्लीट फॉर्मेट है, मैं आपको पूरा एक बार स्क्रीन में दिखा देता हूँ, पूरे फुल स्क्रीन में आप लोग देख लीजिए। ये कंप्लीट फॉर्मेट है आपका लेटर टू रीडर का, हर एक चीजें जो है नंबर वाइज देख लीजिएगा, सेंटर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, कंक्लूजन, पैराग्राफ, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग, सेंडर डिटेल, ये वन बाई वन करके देखिएगा पहले कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, इसी से जो है आपसे घुमा फिरा के सवाल पूछेगा। अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर, तो क्वेश्चन जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस आपको जो है फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो बोर्ड में जो है आपके किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको एक लेटर लिखना है न्यूज एडिटर को, और साथ ही साथ किस रिगार्डिंग लिखना है, तो इश्यू ऑफ इंसेंटिव यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन मेट्रो सिटी, ये आपका जो है टॉपिक हो गया जिसपे आपको लेटर लिखना है। और साथ ही साथ आपकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप कौन है, यानी कि जो लेटर भेज रहा है उनका नाम जो है कृष्णा है, कहाँ रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, यानी कि आपका एड्रेस और साथ ही साथ जो सेंडर एड्रेस और सेंडर नेम आपको यहां पे मिल गया, पूरा टॉपिक आपको पता चल गया किस रिगार्डिंग आपका लेटर है। अब बढ़ते हैं सीधा डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस, किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। अब इसका जो है इसी लेटर से जो है आपका यहां पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा गया है, चूज द करेक्ट सब्जेक्ट, यानी करेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि जब आप लेटर लिखेंगे लेटर रीडर का तो सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट सिंपल सा होगा, आपने यहां पे जैसे कि पढ़ा किस रिगार्डिंग आपको लिखना है, तो इशू ऑफ इंसेंटिव यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तो यहां पे देखिए किस ऑप्शन में है, तो सी, सी इज द करेक्ट आंसर। काफी सिंपल है, इस तरीके से आप लोग जो है अच्छी तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं, बस फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा जो है ध्यान लगाइएगा तो सारी चीजें जो है काफी इजी तरीके से आप कर पाएंगे। 26 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको सेंडर डिटेल पूछा गया है, यानी सेंडर एड्रेस जो होगा वो आपका यहां पे जो है क्या आएगा। यहां पे ए बी सी डी के रूप में चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा। सी क्यों होगा, जैसे कि मैं आपको ऊपर क्वेश्चन में दिखाता हूं, सेंडर एड्रेस जो है केवल यहां पे दिल्ली दे रखा है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि एड्रेस को प्रॉपर, यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट बनाने के लिए कुछ एड्रेस जो है डुप्लीकेट हम खुद वहां पे लिख देते हैं, लेकिन एड्रेस लिखना है। यहां पे जो है सी क्यू होगा, तो यहां पे जो है एड्रेस बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 47A किशनगंज दिल्ली, ये जो है यहां पे प्रॉपर फॉर्मेट जो है एड्रेस का है, ए क्यू नहीं है, क्योंकि यहां पे कृष्णा क्या है, कृष्णा जो है यहां पे सेंडर नेम है, तो नेम जो है एड्रेस में नहीं आ सकता, तो इसलिए पहला रॉन्ग है। दूसरा वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि दूसरा वाला जो है एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, करेक्ट फॉर्मेट में यहाँ पे दिल्ली भी आएगा, तो यहाँ पे दिल्ली नहीं है, सिर्फ किशनगंज ही लिख दिया गया है, जो किशनगंज कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है। चौथा वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे नेम और साथ ही साथ फोन नंबर दिया गया है, तो ये भी गलत है, सेंडर नेम की जगह जो है एड्रेस लिखना है, ना कि नेम लिख देना है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन में देखिएगा, लेटर टू रीडर जब हम लिखते हैं तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है, तो फॉर्मल टोन, यानी कि सिंपल सिंपल बात है, अब जो लेटर लिख रहे हैं वो फॉर्मल टोन में लेटर होना चाहिए, ना उसमें रूड आप लोग इस्तेमाल करेंगे, ना ही स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, ताकि वो सामने वाला जो है आपको लेटर को पढ़ रहा है तो उन्हें ऐसा ना हो कि समझने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो। तो यानी फॉर्मल टोन में आपका लेटर लिखना है, सिंपल सी बातें हैं, ये हर एक बच्चों को ऑलरेडी अच्छी तरीके से पता होगा। 28 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग यहां पे देखिएगा, ये पूछ रहा है कि करेक्ट ओपनिंग लाइन क्या होगा लेटर का, यानी आप जब लेटर टू रीडर लिखेंगे तो स्टार्ट किस तरीके से की जाएगी। तो यहां पे जो है इसका आंसर ये होगा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है, मैं आई वांट टू रेज द इशू ऑफ इंसेंटिव यूज ऑफ, ये करेक्ट जो है यहां पे लाइन है, जो आपका स्टार्टिंग जो है लेटर टू रीडर इसी तरीके से किया जाता है, बाकी जो है यहां पे जो है रॉन्ग होंगे, ए इज द करेक्ट आंसर।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को होमवर्क देना चाहूंगा, यानी कि 6 में से आपको 5 करने होते हैं, तो मैं 5 करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन जो है आप लोग नीचे बताइएगा, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप कितने ज्यादा तैयार है ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए 29 का जो है, सभी बच्चे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी। और लास्ट का 30 क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा सिंपल है, हर एक बच्चे को पता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा तो लास्ट में क्या करते हैं, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है और साथ ही साथ सेंडर डिटेल यहाँ पे लिखा जाता है। तो कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या है, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और साथ ही साथ जो है सेंडर नेम क्या हो गया यहाँ पे, कृष्णा, ये इज द करेक्ट फॉर्मेट है। ए बी सी यहाँ पे तब लिखेंगे, या एक्स वाई जेड है हम तब लिखेंगे जब वहाँ पे नेम नहीं दिया होगा, अपना नेम तो लिखेंगे नहीं, ये तो पूरा तरीके से ही गलत ऑप्शन है। तो इस तरीके से बच्चों पूरी कंप्लीटली जो है मैंने आपको फॉर्मेट के साथ साथ ऑल टू ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया, जो आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कल ही आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।